देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं ओरिगेनो बनाना ग्रेप लीव्स के साथ। ये हम 1 कप मसली राइस लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं इसको, ये डाल दिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद हमने यहाँ ये पार्सली बगदुनस, पार्सली यानी बगदुनस बोलते अरबिक में, ये हम इसमें डाल देंगे। एक बंडल लिया था मैंने। फिर उसके बाद ये कसबरा है, ये कसबरा यानी हरा धनिया, कोथमीर बोलते हैं इसको, हरा धनिया, ये डाल देंगे। फिर ये अपना सोया है, ये इसको दिल बोलते हैं, दिल, ये भी हम डाल देंगे। और ये मिंट है, इसको भी बॉरिक वॉश करके चॉप कर लिया है मैंने। ये टमाटो से, ये मिंट को नाना बोलते, ये टमाटो को टमाटम बोलते, ये भी डाल देंगे। इसमें हसबे मैखब टेस्ट के अनुसार साल जाएगा। ये मिक्स स्पाइसेस से ये डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून होता ब्लैक पेपर जाएगा। एक ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। फिर इसमें ये ओरिगेनो है, ओरिगेनो डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। ये लेस्बनन का ये फेमस रेसिपी है, ये अंगूर के पत्ते से बनाया जाता है। ये अंगूर के पत्ते है, ये देख सकते हैं आप, ये अंगूर के पत्ते ये बॉटल में आते हैं, ये बॉटल में आते, हमने इसको साफ वॉश करके रख लिया है। अब मैं इसको फोल्ड करूंगा इसमें, ये जो स्टफिंग बना ली है ना, ये स्टफिंग को मैं इसमें डाल के फोल्ड करूंगा। ये देखिए अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब ये ग्रेप लीव्स में इसको स्टफिंग करेंगे। देखिए ये ग्रेप लीव्स है, इसमें हम स्टफिंग डाल के इस तरह पूरे बना के हम रख लेंगे। ये देखिए हमने पूरे बना के यहाँ पे सारे बना के रख लिए। ये देखिए अब हम ये कुकिंग वेयर में जैसो अपना कुक करना शुरू करेंगे ओरिगेनो। उसके लिए मैंने यहाँ पे पोटैटोस ले लिया है स्लाइसेस, इसमें जमा देंगे पूरे पोटैटोस को ताकि वो बॉटम में लगे ना। उसके बाद हम ये सारे ओरिगेनो रख देंगे। इसके ऊपर हम ये टमाटो स्लाइसेस रख देंगे।
जब ये प्लेट से हम इसको कवर कर देंगे, कवर करके ये, अब हम इसमें ये टमाटो पेस्ट है, 2 टेबलस्पून होता टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। ये ऑरिगेनो है, ये भी 2 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल जाएगा 1 टेबलस्पून। फिर ये स्पाइसेस डालेंगे इसमें, फिर साल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार, फिर ये ब्लैक पेपर अच्छे से मिला लेंगे इसको। सारी चीजों को इसके ऊपर डाल देना, लगभग ये पानी में डूब जाना चाहिए पूरा। अब इसको हम कुक करेंगे, 2.5 आवर्स कुक करेंगे इसको, पकाएंगे इसको, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका बनने के बाद कैसा है, ठीक है। देखिए हमने इसको कुक करने के लिए रख दिया है 2 आवर्स तक स्लो फ्लेम पे। ये वज़न रखे हमने, ये पानी का वज़न रखे हम इस पर ताकि ऊपर ना उछले वो सब, ठीक है। हम आपको मिलते हैं 2.5 आवर्स के बाद। ये देखिए 2.5 घंटे 2.5 आवर्स के बाद हम इसको ओपन करेंगे, देखते हैं ये कैसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब इसको हम फ्लिप करेंगे, बिस्मिल्लाह हम इसको उठाएंगे, देख सकते हैं आप इसका कितना बेहतरीन आया है। इसमें ट्रांसफर कर लेंगे सबको, ये देखिए कितना बेहतरीन आया है हमारा ओरिगेनो, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह मैं आपके सामने रेसिपीज लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे लगे तो फीडबैक कमेंट कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।